अच्छा, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 31। देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम पीस वाइज फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमने एक लेक्चर से स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने कॉन्टीन्यूस फंक्शन को डिस्कस किया था, एंड उसी से रिलेटेड अब हम एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो एग्जांपल 30 है, फर्स्ट 30 एग्जांपल, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं जिसके अंदर रूट फंक्शन का अलग से मैंने आपको बताया कि उसकी कॉन्टीन्यूटी कैसे आप चेक करते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और बाकी भी बहुत सारे फंक्शंस को हमने किया था। अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं 31 एग्जांपल से, जिसके अंदर अगर कोई पीस वाइज फंक्शन आ जाए, बेसिकली ये आपके देखा जाए तो ये सारे जो आपको फंक्शंस गिवन है ये पॉलीनोमियल है। जस्ट इस 34 के अलावा बाकी सारे आपके पॉलीनोमियल फंक्शंस हैं। तो पॉलीनोमियल फंक्शन मैंने आपको बताया था हमेशा कॉन्टीन्यूअस होते हैं। कब ऐसा होता है? जब वो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे। अब देखिए, इन सब एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी जो फंक्शन है वो वैल्यू चेंज कर रहा है। जैसे 31 एग्जांपल है कि जब हम x की वैल्यू 1 से लेस या 1 के इक्वल लेंगे तो हमारा फंक्शन जो होगा वो -3x+1 रहेगा। जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लूँगी तो मेरा फंक्शन वहाँ पे चेंज हो जाएगा। मतलब हमारा फंक्शन जो है -3x+1 से अब चेंज होके x2 -2x-1 हो जाएगा। तो जब हमारा फंक्शन ऐसे वैल्यू को चेंज करेगा तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं हमारे पीस वाइज फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन के अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, देन उसके ऊपर इक्वल, जैसे एक्स यहाँ 1 है तो x=1 पे हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अगर हमारा तीनों का आंसर सेम आ जाएगा, हम बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो देखिए, बहुत ही इसीलिए एग्जांपल आप कह सकते हैं, फर्स्ट वन एग्जांपल को ही देख लेते हैं। अच्छा, तो देखें, जब हम लिमिट यहाँ पे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x→2, यहाँ पे 1 आ रहा है तो आप 1 कह दें। यहाँ पे लेफ्ट अगर फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर छोटा सा माइनस लगाते हैं, और अगर आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे हैं तो x→1 आएगा, अब 1 के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव आएगा। दूसरा, हम बिल्कुल एग्जैक्ट f(1) को यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब एग्जैक्ट 1 पुट करें तो आपका आंसर वहाँ पे फंक्शन का क्या आता है। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, मतलब x→1 ऊपर छोटा सा नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये होता है कि आपका x जो है वो लेस वैल्यू के लिए होता है, मतलब 1 से लेस के लिए आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड के लिए ये आ जाएगा -3x+1। जस्ट ये लेफ्ट और राइट लिमिट की जो यहाँ पे है आपको फंक्शन के बारे में बता दें। पुट आपने 1 ही करना है, इसके अंदर भी 1 ही पुट करेंगे, इसके अंदर भी 1 ही रिप्लेस करेंगे। अच्छा, अब जब इसकी मैं राइट हैंड लिमिट लूँगी तो x→1 राइट साइड से करेंगे, तो राइट साइड से आपको पता है राइट का मतलब है x 1 से ग्रेटर है। देखें ना, जब हम लेफ्ट साइड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 0 ले लूँ, तो जब आप राइट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर होते हैं, और जब आप लेफ्ट पे जाते हैं तो नेगेटिव के नंबर होते हैं, मतलब यहाँ पे आपके लेस नंबर्स आएंगे। सेम अगर यहाँ पे 1 फिक्स पॉइंट है आपका, तो आप 1 से ग्रेटर नंबर जब लेंगे, 1 से जो बड़े नंबर लेंगे, तो मतलब आप यहाँ पे राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। जब आप 1 से ग्रेटर, 1 से लेस नंबर ले रहे हैं, 1 से लेस में x की वैल्यू जो है वो 1 से यहाँ पे मैं लेस ले रही हूँ x को, तो मतलब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मूव कर रही हूँ, नेगेटिव इन्फिनिट पे जा रही हूँ। क्लियर हो की बात? अब अगर आपका ये मिड पॉइंट 1 की बजाय देखें 2 आ जाए, तो आप यहाँ पे 2 लगा दें। अब 2 से ग्रेटर नंबर, जब x को आप 2 से बड़ा लेंगे तो आप राइट साइड पे जाएंगे, और सेम अगर आप x को लेस लेंगे 2 से लेस नंबर जो भी आएंगे, हालांकि 2 से लेस के अंदर पॉजिटिव भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो आपके फंक्शन यही कह रहा है कि जब आप x की वैल्यू 2 से लेस लेंगे तो आपका फंक्शन जो है वो 4x बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे तो आपका फंक्शन चेंज होके x² + 2 आपको दे देगा, और अगर जब आप एग्जैक्ट 2 पे बात करेंगे, एग्जैक्ट 2 पे देखें इक्वल का साइन 4x, तो एग्जैक्ट 2 पे आपका जो फंक्शन होगा अगेन 4x होगा। अब आप इन तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, और उसके बाद ऊपर फंक्शन के ऊपर वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट 2 के ऊपर वैल्यू, तीनों का अगर आंसर सेम आ जाएगा तो आप बोलेंगे आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही थी 31 एग्जांपल की, तो इसकी राइट हैंड लिमिट देखें, राइट का मतलब 1 से ग्रेटर के लिए। देखिए हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 1 से ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन जो है वो x²-2x-1 हो रहा है। अच्छा, अब इक्वल 1 के लिए देखें, इक्वल 1 की कंडीशन यहाँ पे लगी हुई, तो मतलब इक्वल 1 के लिए मेरा जो फंक्शन होगा वो 3x+1 होगा। तो आप इसके अंदर एग्जैक्ट इक्वल 1 पुट कर दें, -3 × x की जगह हम 1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये +1 हो जाएगा, -3 + 1, तो देखिए आंसर -2 आ गया।
ये तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू होगी। आप लिमिट की देखें, आप देखिए लिमिट हमारी डिफाइन है, इसके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट अगर मैं वन को पुट कर दूँ तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर कोई अनडिफाइंड फॉर्म बनती देन हम मूव ऑन करते लोपिटल रूल की तरफ या कोई और रूल्स यहाँ पे अप्लाई करते। ये तो सिंपल सी लिमिट है, तो हमारा देखें डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया -2। सेम इसके अंदर भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो सारी टर्म्स के ऊपर डिफाइन हो रहा है क्योंकि पॉलीनोमियल फंक्शन आ रहा है। तो ये 1 -2 -1 हो गया, 1 -3, तो यहाँ से -2 आंसर। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -2, राइट का भी -2, और उसके बाद इक्वल 1 पे भी हमारे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तीनों का आंसर सेम आ गया -2 के इक्वल। तो इट मीन्स अब ये जो आपका फंक्शन गिवन है ये फंक्शन आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर हो की बात? तो अब सेम इसी मेथड को यूज़ करके आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या था, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अच्छा अब सेम सेकंड वन एग्जांपल के अंदर देखिए, आप देखिए आप ये जस्ट मैंने आपको फर्स्ट वाली एग्जांपल बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड से मैंने बताई है। अगर आप एमसीक्यूज पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आप ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप इसको उठा लें, इसके अंदर देखें पुट करें कि जब आप एक्स लेस देंगे तो आप क्या आएगा 4 × 1। आप इसको थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें या ऐसे करते हैं, फर्स्ट वाला ये बिल्कुल स्टार्ट हम कर रहे हैं, फिलहाल मैं आपको एग्जैक्ट मेथड ही करवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे उसके अंदर थोड़ा हम जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे या एंड वाले क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से कर लेंगे। अच्छा सबसे पहले आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, एक्स टेंड टू 2 पे जा रहे तो आप 2 पुट कर दें। अब ये प्लस प्लस मतलब ग्रेटर वाले ले लें, तो एक्स ग्रेटर 2 के लिए आपका फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। अब सेम यहाँ पे लिमिट एन टेंड टू 2 नेगेटिव करना है तो 2 से लेस के लिए हमारी वैल्यू 4x आ रही है। अब जो इसकी वैल्यू होगी इक्वल के लिए भी सेम हमारा यही हो जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ 2 जब आप फाइंड करेंगे उसके लिए भी फंक्शन आपका सेम यही होगा। तो 4 × 2 आपका ये 4 × 2 = 8 आंसर आ गया। इसके अंदर भी देखें डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर देते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड कहीं पे भी नहीं हो रहा, यहाँ से भी आंसर 8 आ गया। अब इसके अंदर रिप्लेस करें 2 का स्केयर प्लस 4, तो इनफैक्ट 2 × 2 = 4, 4 + 4 तो आंसर 8। तो देखें तीनों का आंसर सेम आ गया, तो मतलब अब ये भी लकीली हमारा क्वेश्चन जो है ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इनफैक्ट देखें कुछ आपके यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन नहीं भी आएंगे, डिसकॉन्टीन्यूस भी आएंगे, ज़रूरी नहीं सारे आपके कंटिन्यूस ही आ जाएं। अच्छा अब सेम हम सेकेंड यहाँ पे थर्ड वन एग्जांपल को कर लेते हैं, इसके अंदर भी सेम उसी मेथड से आप यहाँ पे लिमिट को फाइंड करें। अब एक्स टेंड टू 1 हो रहा है, आप लेफ्ट को फाइंड करेंगे एंड एक्स टेंड टू 1 आप पॉजिटिव मतलब पे हमें यहाँ पे राइट साइड को चेक करेंगे तो लेफ्ट के लिए 1 से लेस है, लेस के लिए हमारा 1/2x आ रहा है। जैसे ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो है ये लेफ्ट और राइट लिमिट को बताते हैं, मतलब फंक्शन को बताते हैं। आप राइट आपकी राइट साइड पे लिमिट है तो मतलब एक्स ग्रेटर आएगा, ग्रेटर के लिए फंक्शन वी। अगेन वी बात, मोस्टली स्टूडेंट्स में ये गलती कर जाते हैं कि इसमें -1 को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ +1 को रिप्लेस कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो ऊपर छोटा सा हम लगाते हैं जस्ट ये हमें लेफ्ट वाली लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बताता है। क्लियर है? तो लेफ्ट लिमिट में हमारा फंक्शन जो है लेफ्ट साइड पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, फंक्शन 1/2x आ रहा है, चेंज हो रहा है, और राइट पर हमारा फंक्शन चेंज होकर √x - 1, जस्ट हमें ये फंक्शन के बारे में बताता है। अच्छा अब अगर एग्जैक्ट मैं एफ ऑफ 1 के लिए देखती हूँ तो एग्जैक्ट मेरा देखें एफ ऑफ 1 के लिए फंक्शन जो है वो अगेन √x - 1 हो रहा है। तो 1 के रूट के अंदर 1 यहाँ पे एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो देखें आंसर 0 आ गया। अब इसमें भी देखें लिमिट हम एग्जैक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा, यहाँ से भी 0 आ गया। इसके अंदर भी आप एग्जैक्ट पुट कर लें 1/2 × 1 तो आंसर 1/2 आ गया। अब देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, तो आगे तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही आप बोलेंगे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। तो अब ये आपका सेकंड काइंड की फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है कि आपकी लेफ्ट, अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है इस फंक्शन के अंदर क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप बोलेंगे जो हमारे इस फंक्शन की है वो लिमिट जो है नॉट एग्जिस्ट हो रही है क्योंकि लिमिट देखें एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही देखें तीनों का आंसर सेम भी नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे ये कॉन्टीन्यूस भी नहीं है। एक और काइंड भी आती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब इन दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट का आपका आंसर सेम आ जाएगा। इनफैक्ट इसमें एग्जाम्पल कुछ ऐसी आएंगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो आ जाती है बट एग्जैक्ट जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो उसके इक्वल नहीं आती।
तो तब आप कहते हैं कि हमारी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए जस्ट एक ही कंडीशन होती है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। क्लियर है? आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट फाइंड करें, तो दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो आप बोलते हैं हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। बट यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमारी ना तो लिमिट एग्जिस्ट की और ना ही हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हुआ है। अच्छा, अब सेम इसी मेथड को यूज़ करके आप नेक्स्ट वन एग्जांपल, सेकंड लास्ट एग्जांपल है इसको करें। तो अच्छा, अब इस टाइप की क्वेश्चंस भी देखें, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले इक्वल वन के लिए, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ वन जब मैं पुट करती हूँ तो मेरा फंक्शन वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/2 आंसर देता है। और दूसरा आपको देखिए नज़र आ रहा है कि जब एक्स इक्वल नहीं है वन के तब आपका फंक्शन जी है। तो देखें एक्स इक्वल ना, इक्वल वन ना होने की कंडीशन जो है आपके पास दो आ जाती है। कौन कौन सी आती हैं कि देखें एक्स इक्वल नहीं है तो इट मीन्स एक्स या तो वन से बड़ा होगा या एक्स वन से छोटा होगा। तो एक्स इक्वल ना होने का मतलब यही है कि एक्स या तो वन से ग्रेटर होगा या एक एक्स जो होगा या वन से लेस होगा। एक्स की देखें जो भी आप नंबर लें उसमें तीन कंडीशन हो सकती है, या तो वो ज़ीरो हो सकता है, या आपके पास वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, या वो आपके पास पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो कोई भी आपके पास नंबर हो, जैसे यहाँ पे वन की बात हो रही है, तो या तो वो इक्वल वन होगा, या तो वो वन से बड़ा होगा, या वो वन से लेस होगा। जो भी नंबर उसमें ये तीन कंडीशन होती हैं। तो सेम इसी तरह कि आप अगर एक कंडीशन इसमें निगलेक्ट कर दिए कि एक्स आप कह रहे हैं इक्वल वन नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी निगलेक्ट होगी, वन के इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे निगलेक्ट कर दें जीरो के इक्वल नहीं है, तो जस्ट दो कंडीशन होगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की। सेम इसी तरह जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है आप एट अ टाइम, अब फंक्शन हमारा ब्रेक नहीं हो रहा, एट अ टाइम आप देखें जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू यहाँ पे कितना है वन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे या हम लिमिट एक्स टेंड टू वन पॉजिटिव राइट फाइंड करेंगे। तो देखें लेफ्ट के लिए भी मेरा फंक्शन सेम यही रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब फंक्शन यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, माइनस वन आएगा। और जब आप राइट के लिए फाइंड करेंगे तो राइट के लिए भी देखें सेम यही फंक्शन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स का स्क्वायर माइनस वन। लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन जो हमारा सेम वही आ रहा है, क्योंकि हमारी इस कंडीशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब दो होते हैं, या तो एक्स वन से बड़ा है या एक्स वन से यहाँ पे छोटा आ रहा है। और एग्जैक्ट वन जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल आ रही है। अच्छा, अब इसमें चांसेस होते हैं कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाती है, क्योंकि दोनों की आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड, क्योंकि दोनों फंक्शन ही सेम है, वन की ही वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। क्लियर? अब आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब देखें इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें। मैंने आपसे कहा था कि लिमिट को सॉल्व करते हुए जब आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको यहाँ पे परमिशन होती है कि आप उसको कटिंग कर सकते हैं। कि देखें अगर मैं इसमें से x को कॉमन ले लूँ, x माइनस वन हो जाएगा, डिवाइसर में फार्मूला रिप्लेस करें तो x माइनस वन और x प्लस वन आ रहा है, और लिमिट सेम वही आएगी, इसके अंदर भी लिमिट सेम वही होगी। अब आप एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आपका दोनों का जो भी होगा वो सेम आएगा। अच्छा, आप माइनस से माइनस वाला कट, माइनस से माइनस वाला कट, तो जस्ट यहाँ पे x बाय x प्लस वन होगा सेम एज इट इज़, क्योंकि फंक्शन हमारा सेम है तो सेम ही लिमिट आएगी। अब जब आप इसके अंदर लिमिट n टेंड टू वन को रिप्लेस करेंगे तो ये 1/1+1 हो जाएगा, इसमें भी सेम 1/1+1 हो जाएगा। तो मींस यहाँ से भी 1/2 आंसर आ गया, यहाँ से भी आपका 1/2 आंसर आ गया। तो देखिए हमारी फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 1/2 गिवन थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1/2 दे रही है, राइट भी 1/2 दे रही है, तो मतलब लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ रही है। तो इन जनरल अब हमारा ये फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखें एक और बात इसमें समझें कि अगर ये चीज़ आपको लिमिट, आपको देखें ये फंक्शन लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के अलग, इसके अलावा अगर ऐसे फंक्शन आपको गिवन होता कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, डिवाइजर में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, किस पॉइंट पे ये डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, अगर इस टाइम में ब्रेक हो के ना आ रहा होता। तो इसके लिए आप कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर हमेशा आपके वो पॉइंट इंक्लूड होते हैं जो आपकी डोमेन में होते हैं, फंक्शन की डोमेन में होते हैं। क्योंकि इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन देखूं तो इसमें एक्स की जगह मैं प्लस माइनस वन जब रिप्लेस करूंगी तो ये प्लस हो या माइनस हो, स्केयर उसको पॉजिटिव करके 1-1 तो आंसर जीरो दे देगा, मतलब डिवाइजर में अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप बोलते कि ये फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूस है जस्ट प्लस माइनस वन के अलावा, तो ऑल रियल नंबर में से प्लस माइनस वन को आप निगलेक्ट करते तब इस डोमेन के अंदर हमारा फंक्शन जो था वो कॉन्टीन्यूस हो जाता। क्लियर होगी बात? बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में गौर से देखें, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है,
इस क्वेश्चन के अंदर जब हम एग्जैक्ट एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू देते हैं, कोई फंक्शन नहीं गिवन, एग्जैक्ट उन्होंने 1/2 फंक्शन की वैल्यू हमें दे दी है। इसके अंदर देखिए, अगर मैं लेफ्ट, अब इस क्वेश्चन में देखें, अगर आपको इस तरह ब्रेक या वो फंक्शन ना होता तो आप क्या करते, आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते, जो कि दोनों का आंसर 1/2 आ रहा है, और तीसरा फंक्शन की वैल्यू पुट करते। तो फंक्शन की वैल्यू देखें, जब आप रिप्लेस करते तो फंक्शन की वैल्यू के अंदर कटिंग की परमिशन नहीं होती। एफ ऑफ 1 आप रिप्लेस करते तो ये क्या हो जाता, 1 का स्केयर -1 हो जाता, 1 का स्केयर -1, 1 रिप्लेस करते या -1 को रिप्लेस करते, तो देखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो ये 0/0 आ जाता। तो मतलब 1 पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होता वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाता। तो जिस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस था, वो पॉइंट इसमें से रिमूव करके आपको दिया गया है कि जब आप एक्स इक्वल 1 करते हैं आपका फंक्शन चेंज होकर 1/2 वैल्यू दे रहा है। तो यही रीज़न है कि हमारा ये फंक्शन जो था वो कंटिन्यूअस हो गया, ब्रेक जो हो रहा है फंक्शन पीस वाइज जो हो रहा है। क्लियर हो की बात, इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह की बातों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर हमेशा वो फंक्शन इन्वॉल्व, वो आपके पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के लिए इंक्लूड होते हैं जो आपकी फंक्शन की डोमेन में भी इंक्लूड हो। क्लियर है, ऐसा लिमिट में नहीं होता, लिमिट में हम कट कर दें, लिमिट में इनफैक्ट वो पॉइंट भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं जो आपकी फंक्शन की डोमेन के अंदर इंक्लूड ना हो। क्लियर है। अच्छा, अब सेम लास्ट वन एग्जांपल के अंदर देखें, और इसके अंदर देखें तीन टाइप के हैं। हमें एग्जैक्ट फंक्शन पे वैल्यू अगर देखूँ, एफ ऑफ 3 को मैं देखूँ तो हमें गिवन है x/3। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x/3 नेगेटिव देखती हूँ तो 3 से लेस के लिए हमारा फंक्शन जो है x+2 के इक्वल आ रहा है, और अगर लिमिट मैं राइट हैंड पे चेक करती हूँ प्लस के लिए, तो राइट के लिए देखें x ग्रेटर होता है 3 से, तो आपका फंक्शन जो है 2x-5 आ रहा है। तो अब इन तीनों को चेक करें, आंसर का तीनों का सेम है तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज आपका जो ये क्वेश्चन जो है ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करें 3/3, तो आंसर यहाँ से 1 आ जाएगा। इसमें वैल्यू रिप्लेस करें 3+2, आंसर 5 आ जाएगा। इसमें वैल्यू रिप्लेस करें 2 × 3-5, तो 6-5 आंसर 1 आ गया। तो देखें कोई भी आपका यहाँ पे इनफैक्ट ये वाला इक्वल आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन सबसे पहले तो देख लें तीनों का आंसर सेम नहीं, तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, या आप लिख दें कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब दूसरा देखें, क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट के लिए हम क्या कहते हैं, कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के। तो देखिए लेफ्ट का आंसर हमारे पास 5 आ रहा है, राइट का आंसर 1 आ रहा है, तो 1=5 नहीं है, तो आप बोलेंगे जो हमारे फंक्शन की लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही और फंक्शन भी हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। क्लियर होगी बात। तो आज के लेक्चर में हमने पीस वाइज फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस किया। आप जो बातें मैंने यहाँ आपको बताई हैं कि डोमेन के अंदर इंक्लूड होता है नहीं होता, लेफ्ट हैंड में राइट, ये सारा कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से अपना क्लियर कर लें। अगर कोई भी छोटा सा भी मसला, कुछ भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इस पे इससे थोड़ा डिफिकल्ट में जाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी पीस वाइज फंक्शन में इंक्लूड करेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम इन्हीं पीस वाइज फंक्शंस की हम डिफरेंशियबिलिटी को भी चेक करेंगे। तो कैलकुलस में लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ आपकी जो डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है, इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसके अंदर मैं सारे लेक्चर डिफरेंशियल के अंदर डिफरेंशियल के आपके कर दूंगी, और इंटेग्रल कैलकुलस के लिए हमारी अलग से प्लेलिस्ट होगी, उसमें सारे इंटेग्रल कैलकुलस के आपके लेक्चर्स होंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।